आज लाई हूँ कुछ लाइनें सर्दी की छुट्टियों पर, शीतकालीन अवकाश पर लाइनें। जिन छुट्टियों का आनंद सर्दियों में लिया जाता है उन्हें शीतकालीन अवकाश कहा जाता है। सर्दी की छुट्टियां आम तौर पर स्कूलों में दूसरे सत्र की परीक्षा के बाद शुरू होती हैं। सर्दी की छुट्टियां 15 दिनों तक चलती हैं, जिसमें क्रिसमस और नए साल का जश्न शामिल है। कई परिवार इन दिनों को संपूर्ण परिवार के साथ भोजन करके मनाते हैं। छुट्टियां परिवार को एक साथ लाती हैं, चाहे वह गर्मी की छुट्टी हो या सर्दी की। छात्र आमतौर पर शीतकालीन अवकाश का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यह उन्हें बहुत मज़ा देता है। शिक्षक अपने छात्रों को इन छुट्टियों के दौरान अपने घरों में नई कला सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। सर्दी की छुट्टियों के दौरान आमतौर पर बच्चे अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं और उनके साथ नया साल मनाते हैं। कुछ लोग इस ठिठुरती ठंड में आइसक्रीम का आनंद लेना पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग गर्म और स्वादिष्ट सूप पीना पसंद करते हैं। लोग बर्फबारी का आनंद लेने के लिए शिमला, कसोल या जम्मू जैसे हिल स्टेशनों की यात्रा का भी कार्यक्रम बनाते हैं। उम्मीद है ये लाइनें आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।